नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे 72 साल पुराने नेशनल हेराल्ड अखबार की कहानी के बारे में और साथ ही जानेंगे कि यह क्यों और कैसे ये केस गांधी परिवार के लिए मुश्किलों का सबब बन गया है। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले ताकि हर रोज आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। 1 मई 1978 को जब संजय गांधी 30 दिन की सजा सुनाए जाने के बाद जेल जा रहे थे तो इंदिरा गांधी ने उनसे कहा था कि दिल छोटा मत करो, यह तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। कहते हैं इतिहास खुद को कभी दोहराता नहीं, ना ही कभी दोबारा मौका देता है, लेकिन नेशनल हेराल्ड मामले ने इतिहास को दोहराव की दहलीज पर लाकर रख दिया है। जवाहरलाल नेहरू, जो कभी खुद सरकार कहलाते थे और कुछ सालों पहले तक जिस सोनिया गांधी के पास देश की सत्ता की चाबी हुआ करती थी, वो ये कहते सुनाई दी हैं कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं और किसी से नहीं डरती। वैसे तो दिल्ली में हर वक्त गुलजार रहने वाले बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित नेशनल हेराल्ड में अब लगभग सन्नाटा पसरा रहता है, पर इसको लेकर संसद से लेकर सड़क तक चले नाटकीय घटनाक्रम ने जैसे मुंह पर इस भवन के प्रेत को जीवंत कर दिया और राजनीतिक गलियारों में एक ही सवाल पूछा जाने लगा कि देश पर 50 साल से ज़्यादा समय तक राज करने वाले गांधी परिवार पर हेराल्ड अखबार तलवार बनकर लटक रहा है। आज हम 72 साल पुराने अखबार की कहानी के साथ ही क्यों और कैसे ये केस गांधी परिवार के लिए गले का फांस बना हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। पहले 6 लाइनों में जान लीजिए कि आखिर नेशनल हेराल्ड है क्या। नेशनल हेराल्ड 1938 में शुरू किया गया था अखबार है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका इस्तेमाल आज़ादी की लड़ाई में किया। पंडित नेहरू ने 1937 में एसोसिएट जनरल बनाया था जिसने 3 अखबार निकालने शुरू किए, हिंदी में नवजीवन, उर्दू में कौमी आवाज़ और अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड। 2008 आते आते एसोसिएट जनरल ने फैसला लिया कि अब अखबार नहीं छापे जाएंगे। बाद में पता चला कि एसोसिएट जनरल पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज भी चढ़ चुका है। शुरू शुरू में अखबार की लाइनें लिखा हुआ करती थी, फ्रीडम इज अ पेरिल, डिफेंड इट विथ योर माइट, यानी कि स्वतंत्रता खतरे में है और हमें इसकी रक्षा करनी है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसके पहले संपादक थे। साल 1942 में अंग्रेज़ों ने इंडियन प्रेस पर हमला कर दिया था, इस वजह से इस अखबार को बंद करना पड़ा। साल 1942 से लेकर 1945 तक अखबार का एक भी अंक प्रकाशित नहीं हुआ था। साल 1945 के ख़त्म होते होते इस अखबार को एक बार फिर से शुरू करने की कोशिश की गई। नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब केशव राव हेराल्ड के संपादक पद पर बैठे। साल 1946 में इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी ने अखबार का प्रबंधन संभाला। ये वो दौर था जब मणिकोंडा चलापति राव अखबार का संपादन कार्य कर रहे थे और इसके 2 संस्करण दिल्ली और लखनऊ से छापे जा रहे थे। साल 1977 में एक बार फिर से इस अखबार को बंद करना पड़ा। इंदिरा गांधी की चुनाव में हार हुई, अब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अखबार की कमान संभालनी पड़ी। लखनऊ संस्करण को मजबूरन बंद करना पड़ा, सिर्फ दिल्ली का अंक ही प्रकाशित हो पाता था। खराब प्रिंटिंग और तकनीकी खामियों का हवाला देते हुए साल 2008 में इसके दिल्ली अंक को भी बंद करने का फैसला लिया गया। उस वक्त अखबार के संपादक थे टीवी वेंकटाचलम। साल 2008 में इस अखबार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इस अखबार का मालिकाना हक एसोसिएट जनरल्स को दे दिया गया। इस कंपनी ने कांग्रेस से बिना ब्याज के 90 करोड़ रुपए का कर्जा लिया, लेकिन अखबार फिर भी शुरू नहीं हुई। 26 अप्रैल 2012 को एक बार फिर से मालिकाना हक का हस्तांतरण हुआ। अब नेशनल हेराल्ड का मालिकाना हक यंग इंडिया को मिला। यंग इंडिया में 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है। जानकारी के मुताबिक यंग इंडिया ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति महज 50 लाख में हासिल की, जिसकी कीमत 1600 करोड़ के आसपास थी। सारा मामला 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था। स्वामी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने अपने पार्टी के पैसे से सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडिया को 90 करोड़ उधार दिए। उस पैसे से राहुल सोनिया की कंपनी यंग इंडिया ने नेशनल हेराल्ड अखबार निकालने वाली कंपनी एसोसिएट जनरल को खरीद लिया और उस कंपनी की करीब 5000 करोड़ की संपत्ति गांधी परिवार के पास आज भी मौजूद है। स्वामी ने क्या क्या लगाए थे आरोप? स्वामी ने कहा था कि कांग्रेस ने पहले तो 90 करोड़ का लोन दिया, फिर अकाउंट बुक्स में हेरफेर करके उस रकम को 50 लाख दिखा दिया।
यानी 89,50,00,000 रुपए यहीं माफ़ कर दिए गए। अखबार छपना बंद होने के बाद एसोसिएट जनरल्स ने प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया, यानी कि वो रियल एस्टेट फर्म बन गई जो दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में बिजनेस कर रही थी। स्वामी का आरोप है कि इस रियल एस्टेट फर्म के हिस्से में जो प्रॉपर्टी थी वो भी कांग्रेस के नेताओं ने अपने नाम कर ली, क्योंकि एसोसिएट जनरल को यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड खरीद चुकी थी। गांधी परिवार के अदालती चक्कर। वैसे तो गांधी परिवार में ऐसे मौके इतिहास में बहुत कम आए हैं जब कोई अदालत में पेश हुआ हो। कांग्रेस ने इस देश पर 54 वर्षों तक राज किया और आज़ादी के 73 साल के इतिहास में इक्के दुक्के मौके ही थे कि नेहरू गांधी परिवार के लोगों को अदालत में पेश होना पड़ा। 18 मार्च 1975 को इंदिरा गांधी अदालत में पेश होने वाली पहली प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस जगमोहन लालसेना की अदालत में पेश हुई थी और उनसे वरिष्ठ वकील शांति भूषण ने 4 घंटे और 20 मिनट तक पूछताछ की थी। इंदिरा गांधी पर जनप्रतिनिधित्व कानून के उल्लंघन का आरोप था। संजय गांधी भी पॉलीमिक्स केस में 24 अगस्त 1977 को दिल्ली की 30,000 कोर्ट में पेश हुए थे, हालांकि जज ने उन्हें उस वक्त जमानत दे दी थी। अगले ही दिन 25 अगस्त 1977 को संजय गांधी और वीसी शुक्ल इमरजेंसी पर बन रही फिल्म के केस में अदालत में पेश हुए। इस फिल्म का नाम किस्सा कुर्सी का था। राहुल गांधी का तो अदालती चक्कर कुछ ज़्यादा ही रहा, चाहे वो भिवंडी कोर्ट में मानहानि का मुकदमा रहा हो या शिवड़ी मजगांव कोर्ट या फिर पटना कोर्ट, राहुल लगातार कोर्ट के चक्कर लगाते रहे हैं। कांग्रेस 21 जुलाई को केंद्र के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन करेगी। जिस दिन कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने वाली हैं। यह निर्णय 13 जुलाई को पार्टी नेताओं की बैठक में लिया गया, जिसमें राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल, एआईसीसी कोषाध्यक्ष पवन बंसल, एआईसीसी महासचिव मुकुल वासनिक, अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला ने भाग लिया था। सुरजेवाला, भंवर जितेंद्र सिंह और राज्यसभा सांसद और दिल्ली के एआईसीसी प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल भी शामिल रहे। तो आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।